गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उर्दू क्लास ऑफ क्लास सिक्स. एज यू नो स्टूडेंट, इट इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ उर्दू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू योर टेक्स्ट बुक. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास सिक्स, रहबरे उर्दू क्लास सिक्स पार्ट टू. नाउ वी विल सी द कंटेंट ऑफ दिस बुक. There are 17 lessons in your book, and in first unit we are going to cover lesson 1 to 4. Now I will show you your writing book. So student, this is your writing book, Najada Urdu Part 2. ये आपको writing book लेनी है. Class 6 के लिए Part 2 ये भूमिया publication की है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2. सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड ओपन लेसन नंबर 2. बिलीव इन वन गॉड, तौहीद. तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें ऊपर लिखे हुए अल्फाज जो हैं उनको पढ़ेंगे. पहला है सानी, फिर है कायनात, फिर मुसलमान, फिर अकीदा और तौहीद. तौहीद का मीनिंग होता है कि एक अल्लाह में विश्वास करना. तौहीद के मायने हैं एक मानना या एक समझना. अल्लाह सिर्फ एक है, इसका कोई सानी नहीं है. ज़मीन व आसमान अल्लाह ही ने बनाए हैं, इसी ने समंदर ये दरिया और ये नहरें बनाई हैं, इसी ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं. हमें अल्लाह ही ने पैदा किया है, हमें ही नहीं हर जानदार और हर बेजान चीज़ को अल्लाह ही ने बनाया है. गर्ज सारी कायनात का बनाने वाला और मालिक सिर्फ़ अल्लाह है. अल्लाह को दिल से सिर्फ़ एक मानने का नाम ही तौहीद है. इसके बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता. यानी कि जो शख्स अल्लाह को एक मानता है कि पूरी कायनात को बनाने वाला एक है, वही शख्स मुसलमान है. हर मुसलमान का ये भी अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है. और अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और उनके बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा. इस तरह हमारे ईमान की बुनियाद कलमा तैयबा पर है, और कलमा तैयबा का ताल्लुक़ भी तौहीद से है. तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. यहाँ पर इसकी रीडिंग अब हम देखते हैं. इसके अल्फाज मानी, तो अल्फाज मानी है सानी, हमसर या बराबर, इक्वल लाइक. सानी यानी कि उसके बराबर नहीं है, उसकी तरह नहीं है कोई. ज़मीन व आसमान, द लैंड एंड द स्काई, समंदर, सी बहर, दरिया, नदी, रिवर, नहरें, कैनाल, पहाड़, माउंटेन, जानदार, वो चीज़ जिसमें जान हो, लाइव बींग, एनिमेट थिंग, बेजान, वो चीज़ जिसमें जान ना हो, लाइफलेस या इनएनिमेट थिंग, अकीदा, ईमान, यकीन, दिल से मानना, फेथ और बिलीफ, इबादत, वर्शिप, बंदगी, रसूल, नबी, प्रोफेट. तो ये बच्चों, ये जो है आपको अपने वर्ड मीनिंग ये अपनी कॉपी में करने हैं. इसमें आपको उर्दू का वर्ड और इंग्लिश का मीनिंग लिखना है. जो इसका उर्दू का उर्दू में ही मीनिंग है वो मत लिखिएगा. आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो उर्दू का हम वर्ड देंगे. जैसे हमने आपको सानी दिया, तो आपको हमसर या बराबर ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ इक्वल और लाइक लिखना है. दोनों मीनिंग भी लिख सकते हैं आप, अगर कहीं दो दिए हैं, वरना एक ही मीनिंग आप इंग्लिश वाला लिखेंगे. अब देखिए, तजियाती महकमा दर्जा जिल सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब और सही इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए. तौहीद के क्या मानी हैं? खुदा की इबादत करना, अल्लाह में यकीन होना, खुदा को सिर्फ एक जानना. तो तौहीद के मानी है खुदा को एक जानना. फिर है आपका ज़मीन और आसमान किसने बनाए हैं? अल्लाह ने, फरिश्तों ने, नबियों ने. तो ज़मीन और आसमान सब अल्लाह ने बनाए हैं. समंदर, दरिया और नहरें किसने बनाई हैं?
तो बच्चों दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ने ही बनाई हैं। खाली जगह भरिए, अब देखिए ये वाला खाली जगह भरिए। तौहीद के मानी हैं डैश जानना या डैश समझना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक जानना और एक समझना। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है ज़मीन और आसमान अल्लाह ही ने डैश हैं तो अल्लाह ही ने बनाए हैं। फिर है हमें अल्लाह ही ने पैदा किया, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे है। फिर है सारी कायनात का बनाने वाला और डैश सिर्फ़ अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, यहाँ पर हम मालिक लिखेंगे। दर्जा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, तौहीद के क्या मानी है लिखिए। तौहीद के मानी है एक मानना या एक समझना, तौहीद के मानी है एक मानना या एक समझना। किसे एक मानना या समझना? अल्लाह को। दुनिया की हर चीज़ किसने बनाई है? दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। हर मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए? तो हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह सिर्फ एक है। यहाँ पर हमने, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप इतना ही लिखेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह एक है। हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए। इन लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये जो आपका होता है लेट्स लर्न द वर्ड, ये आपको अपनी कॉपी में करना होता है, तो ये भी आप अपने होमवर्क में करेंगे। तो इन्होंने लिखा है जमीन, जमीन नहीं होता ज़मीन होता है, तो यहाँ जीम की जगह ज़े बनाएंगे। ऐसी समझना में स्वाद की जगह सीन बनाएंगे, समंदर में भी स्वाद की जगह सीन बनाएंगे। मालिक, मालिक नहीं होता, काफ़ की जगह पे काफ़ का इस्तेमाल करेंगे। और तौहीद में ये वाला हे नहीं बना के दो चश्मी, वो सॉरी ये वाला जीम चे हे वाला हे बनाएंगे। अब आपका आ गया तश्कीली या तौज़ीही महकमा। बच्चों ये हम आपको नहीं करा रहे हैं, बस आप इतना ही करेंगे, ठीक है? तो आपका ये वाला लेसन कम्प्लीट हो गया है, तो आप इसमें वर्ड मीनिंग करेंगे और ये करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, लेसन नंबर 1 की तैयारी कीजिए जिसमें हम आपका टेस्ट ले सकते हैं। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।